नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मुख्य रूप से जो 2013 में नेट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं और आपका जो सेकंड यूनिट है जलवायु क्लाइमेटोलॉजी ज्योग्राफी, उसका जो टॉपिक है हम उस यूनिट को लेकर, उसमें जो जितने भी टॉपिक हैं उसमें से जो क्वेश्चन आए हुए हैं यूनिट सेकंड में से, उनको लेकर के चर्चा कर रहे हैं, ताकि आपको पढ़ते समय ये ध्यान रखना होगा कि किस किस प्रकार से प्रश्न को पूछा जा सकता है। बस बात यही थी। और इस चीज़ के संदर्भ में मुख्य रूप से इस यूनिट में से पहले क्वेश्चन को उठाया गया है, इसके बाद में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो दो तीन जो 2014 का, 2013 का और 2012 के जो क्वेश्चन आए हैं उनको लेकर के बात कर लेते हैं, ताकि उनसे ये पता चलेगा कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है और पढ़ते समय किन किन बातों को आपको उसमें ध्यान रखना है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कई बहुत आइडिया जो हमें उस प्रश्न से संबंधित लग जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखिए, तो हम बात कर लेते हैं। देखो, 2013 में आए हुए ये प्रश्न है, ये आया कि ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है। सीधा सा प्रश्न है हालांकि, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है। एक सामान्य स्थिति होती है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तापमान में कमी आती है। अब तापमान में कमी आती है उसे सामान्य पतन दर कहते हो, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है कि ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है, तो आपको कहीं ध्यान नहीं देना है, आपको प्रश्न को देखना है। और उसके बाद में सीधा आप जो, ये ऑप्शन है सी, बिल्कुल सही है, ताप व्युत्क्रमण, क्योंकि यहाँ ताप कम होने की बजाय बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्षा से संबंधित प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताइए, यह पूछा गया। अब ये ध्यान रखिएगा कि जब आप इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे और यहाँ प्रश्न सीधा सा है और सामान्य सा है, तो आप जब पढ़ते समय कैसे आप ध्यान रखेंगे किस प्रकार का प्रश्न। इस प्रश्न को आप बड़े ध्यान से पढ़िए और सोचिए, इसको देखिए कि प्रश्न कैसे बनाया गया है। यहाँ पूछा है कि वर्षा से संबंधित प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताइए, कि वर्षा से संबंधित, जब वर्षा होगी तो उस वर्षा होने से पहले कौन कौन सी प्रक्रियाएं, प्राथमिक प्रक्रियाएं मान लीजिए इनको, कि कौन सी होंगी और क्रम से होंगी के बाद में अवक्षेपण होगा या वर्षा होगी, ये पूछा गया है यहाँ। अब देखिए, इसमें लिखा है असंतृप्त वायु संघनन, ओस बिंदु अवक्षेपण। असंतृप्त वायु, असंतृप्त वायु से सीधा संघनन तो नहीं होता है, तो गलत है। इसके बाद में ओस बिंदु, उसके बाद में संघनन, उसके बाद में संतृप्त वायु, ये भी सही नहीं है, कि असंतृप्त वायु तो पहले आएगी उसके बाद में देखेंगे। तीसरा है असंतृप्त वायु, ठीक है, पहले असंतृप्त होती है, असंतृप्त वायु के बाद में ओस बिंदु तक पहुंचती है, ओस बिंदु के बाद में संघनन प्रक्रिया होती है और के बाद में वर्षा होती है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी सही है। आप देख लीजिए किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया और कैसे आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित स्थितियों को पढ़ें, देखना ये भी प्रश्न कितना शानदार है, किस प्रकार से घुमा करके पूछा गया है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित स्थितियों को पढ़िए, आप इनको पढ़िए, मेघाच्छादित आकाश, ठंडी वायु, तेज पवन, लंबी शीतकालीन रातें। अब यहाँ आपने इस इनको पढ़ लिया, तथ्यों को, स्थितियों को पढ़ लिया। अब पूछा है कि उपरोक्त में से कौन सी स्थिति तापमान में विक्षेप को बढ़ावा देती है, यानी कि ज्यादा करके तापमान में विक्षेप कौन सी स्थितियां जो हैं इनमें से वो बढ़ावा देती हैं, अब आपको वो देखना है। तो देखिए, मेघाच्छन्न नहीं, मेघाच्छादित आकाश है वो नहीं डिस्टर्ब करता इतना, ठंडी वायु ये बिल्कुल डिस्टर्ब करती है, तेज पवन ये भी नहीं करती है, और लंबी शीतकालीन रातें ये भी तापमान में विक्षेप को बढ़ावा देती हैं। तो ये अगर दो और चार, कहाँ है दो और चार, डी ऑप्शन। तो इस प्रकार से देखिए प्रश्न को किस प्रकार से बनाया गया है, ठीक है। तो कैसे इसको आपको समझना है, ये चीजें जरूरी हैं। सीधा प्रश्न, एक थॉर्नथवेट वर्गीकरण में दक्षिणी गंगा मैदान की जलवायु किसके द्वारा सूचित की गई है, तो भैया ये तो आपको सीधा पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, CW-W के द्वारा दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाला
पवन विक्षेप या विचलन क्या कहलाता है? देखिए, पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो ये कहा कि जब पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाला पवन विक्षेप, सिर्फ पवन विक्षेप, पवन में जो विक्षेप पैदा होता है क्या कहलाता है, ये पूछा है। भूमंडलीय पवन, ये तो चलती रहती हैं, स्थाई हैं। भूविक्षेपी पवन, ये बिल्कुल ये सही है। कौन सा? भूविक्षेपी पवन, यानी कि भूविक्षेपी पवन कहलाती हैं या कहलाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से इनमें विक्षेप पैदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सी प्राथमिक हरित, वो कैसे कैसे इन प्रश्नों को बनाया गया है ये ही आपको देखना है। कौन सी प्राथमिक हरित ग्रह गैस वैश्विक उष्मन से संबंधित नहीं है? अब इसमें देखो, कौन सी प्राथमिक हरित गैस, हरित ग्रह गैस वैश्विक उष्मन से संबंधित नहीं है, यानी कि इनमें से जो आपको निम्न जो दिए गए हैं, चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनमें से एक गैस ऐसी है जो कि हरित ग्रह प्रभाव से संबंधित है ही नहीं। तो देखिए, जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है प्रमुख है, मीथेन भी है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, सीधी सी बात है, बस आपको प्रश्न समझना है। नेक्स्ट लिखा कि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध की बात कह रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में प्रति दक्षिणावर्त वायुमंडलीय संरचना, यानी कि हवाएं जो घूमती हैं पक्ष दक्षिण प्रति दक्षिणावर्त, उससे जो संरचना बनती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है चक्रवात। क्या कहलाती है? चक्रवात। ठीक है, नेक्स्ट है कि भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? भाई, भूमध्य सागरीय जो जलवायु है उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता आप लोग सामान्य रूप से जानते हैं, शीतकाल में वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। तो ये शुष्क ग्रीष्म और आर्द्र शीतकाल, तो आपका यही जवाब होगा, शुष्क ग्रीष्म एवं आर्द्र शीतकाल। ठीक है, बस आपको क्या है कि प्रश्न को चाहे से एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, जब तक समझ में नहीं आता तब तक उसको पढ़िए एक बार, जैसे वो प्रश्न आपके समझ में आ जाएगा, आप उस पर विचार कर लेंगे, उत्तर समझ में आ जाएगा अगर आपका पढ़ा हुआ है तो। नेक्स्ट प्रश्न है, ये आपको देखना ही पड़ेगा। देखिए इसमें कि दृष्टिगोचर तरंग दैर्ध्य, दृष्टिगोचर तरंग दैर्ध्य की परास की रेंज या परास विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कितनी होती है? विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम बनता है दृश्यता के लिए, उसमें तरंग दैर्ध्य की परास विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कितनी होती है, ये पूछा है। तो देखिए, ये एक डेटा है और ये होती है कितनी, 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर की परास होती है। नेक्स्ट है, देखिए कितना सीधा सा प्रश्न है, वैसे याद रखने पड़ेंगे ये तो। कोपेन की स्कीम में, कोपेन की स्कीम के अनुसार BSWH प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? जहाँ BSWH आता है मरुस्थली दशाएं, जहाँ व्याप्त होती हैं, और वो होता है राजस्थान, तो ये राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वायुमंडल निम्न में से किसके द्वारा गर्म हो जाता है? अब आपको ये देखना है, चार ऑप्शन जो आपको मिल रहे हैं पहले उनको भी देखना है कि पूछा क्या गया है, कि ये पूछा है कि वायुमंडल निम्न में से किसके द्वारा गर्म हो जाता है। तो आपको देखना है कि सूर्य की सीधी किरणें, हालांकि सूर्य की सीधी किरणें आती हैं लेकिन उससे होता है गर्म तो बहुत ही कम मात्रा में होता है, लेकिन इसको यहाँ नगण्य माना जाएगा। ज्वालामुखी गतिविधि, ज्वालामुखी गतिविधि तो कभी कभी होती है, कहीं कहीं होती है तो नहीं है संबंध। जैव पदार्थ का जलना इसका भी नहीं है, तो क्या बचता है? पृथ्वी से जो विकिरण निकलती है उसके द्वारा, यानी पार्थिव विकिरण के द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। ठीक है, इसके बाद में आपसे पूछा गया है कौन सा क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मौसम के दौरान, यानी दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून आता है के दौरान, मौसम के दौरान अधिक वृष्टि नहीं प्राप्त करता, अधिक वृष्टि नहीं प्राप्त करता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अब आपको ये चार ऑप्शन देखने होंगे कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब आता है तो उससे वर्षा प्राप्त
नहीं करता है, वृष्टि प्राप्त नहीं करता है। अब आपको ये तो पता चल गया होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। अब यहाँ आपको कुछ ये पता नहीं चल रहा है कि भारत के संदर्भ में पूछा है, लेकिन यहाँ आपको पता चल गया कि ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं भारत के हैं। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु का तट है, महाराष्ट्र का है, छोटा नागपुर का पठार है, पूर्वी हिमालय पर्वत है। आप जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के संदर्भ में इस पूरे प्रोसेस को जब पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा जो पश्चिमी तट है वहाँ सबसे पहले मानसून आके टकराता है केरल में, वहाँ वर्षा होती है। इसके बाद में महाराष्ट्र की तरफ और महाराष्ट्र के बाद में ताप्ती और नर्मदा जो भ्रंश घाटी वहाँ से गुजरता है छोटा नागपुर के पठार की तरफ, और बंगाल की खाड़ी, इसमें बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हिमालय जो पर्वत है, जो पूर्वी हिमालय जो पर्वतीय क्षेत्र है भारत के, चेरापूंजी मेघालय की तरफ वहाँ वर्षा होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। तो ये तीनों में तो वर्षा होती है, किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, लेकिन कहाँ नहीं होती? तमिलनाडु तट पर, इसमें उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से निम्न कारण से होती है, शीतकाल में पूछा है। अब ये आपको ध्यान रखना है कहाँ, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा किसके कारण से होती है, जिसको आप क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पश्चिमी मानसून, बंगाल की खाड़ी। अब आपको देखना है कि देखो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से निम्न कारण से होती है। आपको पता ही है भारत है, उत्तरी पश्चिमी भाग है भारत का, और शीतकाल में यहाँ वर्षा होती है। तो उत्तरी पूर्वी जो महाद्वीपीय हवाएं चल करके आती हैं और भूमध्य सागर से अपने यहाँ अपने उत्तरी पश्चिमी भारत में ये प्रवेश करती हैं और शीतकाल में प्रवेश करती हैं, क्योंकि यहाँ वायुदाब के केंद्र की स्थिति इस प्रकार से बनती है, इधर वो आकर के भारत में उत्तर पश्चिमी भारत में प्रवेश करती हैं, और उसे आप बोलते हो पश्चिमी विक्षोभ। तो किसके द्वारा होता है? पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न जो है इसमें अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि भारत का पूर्वी तट, भारत का पूर्वी तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से पश्चिमी तट की अपेक्षा ज्यादा प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की भारत के संदर्भ में अगर आप बात करते हो तो पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट ज़्यादा प्रभावित रहता है, बंगाल के खाड़ी के आसपास का क्षेत्र, क्योंकि वहाँ टोर्नेडो प्रकार के भी चक्रवात बन जाते हैं जो सबके शक्तिशाली होते हैं, रौद्र रूप होते हैं, बहुत नुकसान पहुँचाते हैं वो, ठीक है। लेकिन दूसरा इसमें कारण दिया गया है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मूलतः सिर्फ बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। ये कहा गया है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मूलतः सिर्फ बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं, नहीं, ये नहीं है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कोई और क्षेत्र नहीं दिया गया है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मूलतः सिर्फ बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं, नहीं। 8 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच के क्षेत्र में जहाँ भी सागरीय स्थिति बनती है वहाँ ये उत्पन्न होते हैं मुख्य रूप से। और अगर भारत के संदर्भ में लोगे तो यहाँ बंगाल की खाड़ी में अगर हिंद महासागर का उत्तरी भाग या दक्षिणी भाग में भी उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये बात गलत है, ठीक है। अब आता है आपका कूट, कूट से आपको जवाब देना होगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, गलत है, ये नहीं आएगा। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या करता है, नहीं करता भाई, आर ए की व्याख्या नहीं करता है ये। फिर है दूसरा, तीसरा कि ए सही है परंतु आर गलत है। ए तो सही है परंतु आर गलत है। ए सही है कि भारत का पूर्वी तट उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों पश्चिमी तट की अपेक्षा ज्यादा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये नहीं है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मूलतः सिर्फ बंगाल की खाड़ी में ही उत्पन्न होते हैं, ना, ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये 8 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच में पैदा होते हैं। फिर डी ए गलत और परंतु आर सही, तो ये भी गलत। आपका कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। तो कहने का मतलब यही है, इन प्रश्नों प्रश्न करने का मतलब, आप लोगों के सामने इसको बताने का मतलब इतना ही था।
कि पर्सन किस प्रकार से क्रिएट होते हैं, तो आप पढ़ते समय किस प्रकार से प्रत्येक लाइन को आप किस प्रकार से पढ़ें, देखें और उस पर ध्यान रखें, क्योंकि उन्हीं से पर्सन बनते हैं, तो उन्हीं में ही पर्सनों को घुमाया जाता है। और यही उद्देश्य है कि आप लोग जो पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते समय आप पर्सनों को, अपने तथ्यों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, ताकि आपने जो पढ़ने में जो इतना समय खर्च किया है वो आपका जायर नहीं हो, खराब नहीं हो, और वो आपके बिल्कुल काम आए। तो इस दृष्टि से आपको प्रत्येक जो आपके टॉपिक हैं, उन टॉपिकों में जो पर्सन है इम्पोर्टेंट जो बनते हैं, जो तथ्य बनते हैं, उनको आप पढ़िएगा, किसी क्रम में पढ़िएगा, व्यवस्थित उनकी व्यवस्थित से पढ़िएगा, उनकी प्रक्रिया से पढ़िए पढ़िएगा, वो प्रभावित कैसे होता है कोई तथ्य, उनसे पढ़िएगा कौन सा किसने क्या दिया है, उस प्रकार से आपको सभी प्रश्नों को देखना होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।